सभी दोस्तों का मेरा प्यार भरा जय हिंद दोस्तों। मैं और मेरे परिवार की ओर से दोस्तों आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और मैं आज आपके लिए लाभ हानि का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि आपके आने वाले रेलवे की परीक्षा NTPC ग्रुप डी में आ सकते हैं दोस्तों। और यदि आपने मेरे चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें दोस्तों, ताकि जितने भी मैंने आपको प्रश्न समझाए हैं वो आपको अच्छे समझ में आ सकते हैं दोस्तों। आज हम सबसे पहले सीखने वाले हैं जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज का हम पहला सवाल करते हैं कि एक बनिया जिस मूल्य पर 15 वस्तुएं क्रय किया और उसी वस्तु पर 20 रुपये का विक्रय कर दिया दोस्तों। तो 20 रुपये का क्या कर दिया दोस्तों, विक्रय, और 15 रुपये का कर दिया क्रय, यानी कि 15 रुपये में खरीद लिया और 20 रुपये में बेच दिया। क्रय का मतलब होता है दोस्तों खरीदना, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है दोस्तों बेचना। तो 15 रुपये में खरीदा है और 20 रुपये में बेचा है। तो देखिए दोस्तों कैसे करना है, 15 CP बराबर होगा 20 SP के, 15 CP बराबर होगा 20 SP के दोस्तों। इसको काट भी सकते हो आप, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, तो हो जाएगा 3 CP बराबर 4 SP के। तो ये हो जाएगा, देखो CP का मान तो जाएगा दोस्तों 4 और SP का मान आ जाएगा दोस्तों 3, तो CP बराबर आ गया 4 और SP बराबर आ गया दोस्तों 3, यानी कि 4 रुपये का खरीदा है और 3 रुपये का बेच दिया दोस्तों। तो उससे लाभ होगा या हानि होगी, तो देखिए दोस्तों जब CP बड़ा हो और SP छोटा हो तो हमेशा हानि होती है दोस्तों। तो देखिए 4 रुपये में खरीदा, 3 रुपये का बेच दिया, तो कितने की हानि होगी इससे दोस्तों, 1 रुपये की से हानि होगी। हमें निकालना है हानि प्रतिशत, तो हानि और लाभ, हानि और लाभ, चाहे तो हानि हो रही हो और चाहे लाभ हो रहा हो दोस्तों, हानि और लाभ हमेशा CP पर होता है दोस्तों, हानि और लाभ हमेशा दोस्तों CP पर होता है। तो 1 रुपये का हानि हुई, 1 रुपये की हानि हुई किस पे, 4 रुपये पे, 1 रुपये की हानि किस पे भी 4 रुपये पे, गुणा में आएगा 100। इससे से दोस्तों काट दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है दोस्तों। तो देखिए 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है दोस्तों। तो बस आपको क्या करना है, 36 CP बराबर 30 SP, 36 CP बराबर 30 SP के। तो दोस्तों देखिए काट सकते हैं इसको, 6 × 36, 6 × 5 = 30, तो हो जाएगा दोस्तों 6 CP बराबर 5 SP के दोस्तों, 6 CP बराबर 5 SP के दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 6 CP बराबर 5 SP का जाएगा दोस्तों, इसको छोटा करके काट दिया हमने इसको। तो देखिए आप आगे करते हैं, ये हो जाएगा CP बराबर, तो हो जाएगा दोस्तों 5 और SP बराबर हो जाएगा दोस्तों 6, ये इसका मूल्य आ जाएगा और ये दोस्तों इसका मूल्य आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने CP का मतलब होता है खरीदना, 5 रुपये में खरीदा है, 6 रुपये में बेच दिया, तो 1 रुपये का लाभ हुआ दोस्तों, 1 रुपये का लाभ हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ, 1 रुपये का लाभ किस पर हुआ, लाभ हानि हमेशा CP पर होती है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर होती है। तो लाभ हानि इस पर भी दोस्तों, तो 1 रुपये के लाभ हुआ किस पे, 5 रुपये पे, गुणा में आएगा दोस्तों 100। इससे इसको काट दिए दोस्तों तो आ जाएगा 20, तो यानी कि 20% का दोस्तों लाभ हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोस्तों इसको भी ऐसे करना है, देखिए 18 CP बराबर है 15 SP के, ठीक है दोस्तों। तो 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, 3 से काट लीजिए दोस्तों, 3 × 18, 3 × 5 = 15, तो ये दोस्तों हो जाएगा 6 CP बराबर 5 SP के। तो देखिए दोस्तों CP का मान तो आ गया आपके पास 5 और SP का मान आ जाएगा दोस्तों 6। तो देखिए दोस्तों 5 रुपये खरीदा है और 6 रुपये का बेच दिया दोस्तों, तो बस 5 रुपये का खरीदा है, 6 रुपये का बेच दिया, 1 रुपये का लाभ होगा, 1 रुपये का लाभ किस पर होगा दोस्तों, 1 रुपये का लाभ होगा 5 रुपये पे, गुणा में आएगा दोस्तों 100। तो देखिए दोस्तों इसको इससे काट दीजिए तो आएगा आपके पास 20%, तो 20% का क्या हो जाएगा दोस्तों, उसको लाभ। आई होप आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में
आ गया हो दोस्तों। हम अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो दोस्तों तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखिए कह रहा है 12 सीपी बराबर है 8 एसपी के। तो देखिए दोस्तों इसे छोटा कर सकते हैं, 4 से काट ले, 4 या 12 और 4 दुनी 8, यानी कि 3 सीपी बराबर हो जाएगा 2 एसपी के, यानी कि सीपी तो आएगा 2 रुपये, 2 रुपये का तो होगी दोस्तों आपकी खरीद और 3 रुपये की होगी आपकी दोस्तों बेच। तो 3 रुपये का आपने बेच दिया, 1 रुपये खरीदा था, 3 रुपये का आपने बेच दिया दोस्तों, तो 1 रुपये का लाभ होगा दोस्तों, तो 1 रुपये का लाभ होगा, 1 रुपये का लाभ हुआ दोस्तों, 1 रुपये का लाभ किस पर हुआ, 2 रुपये पे, गुणा में कितना आएगा दोस्तों 100, इससे इसको काट दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका 50%, तो 50% का इसमें लाभ होगा दोस्तों। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। सवाल करते हैं जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, तो देखिए दोस्तों हम बहुत आसान तरीके से बताएंगे कि जब कोई वस्तु कम या अधिक पर बेची जाए। देखिए दोस्तों जैसे एक सवाल दे रखा है आपको कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% के लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें लिखा हुआ है अधिक मिलते, समान वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। तो मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु थी दोस्तों, 100 रुपये की वस्तु थी तो 10% के लाभ पर बेचा तो 110 रुपये का लाभ बिका होगा दोस्तों, फिर 15% का लाभ पे बेचा तो 115 रुपये का बिका होगा दोस्तों। तो इन दोनों में देखे दोस्तों जो अंतर आया वो आया 5 का, तो इनका अंतर आ गया आपके पास 5 का। तो बस क्या करना है, 200 रुपये अधिक थे ना, ये 200 रुपये अधिक ऊपर रखने हैं दोस्तों और नीचे रखना है दोस्तों जो अंतर आया है, और गुणा में रखना है आपको दोस्तों 100, ठीक है दोस्तों। तो बस आपको क्या करना है, आगे इससे उससे काट दिए 4 बार, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा 4000 रुपये क्रय मूल्य। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एक व्यक्ति अपना फर्नीचर 15% के लाभ पर बेचता है, यदि वह 10% की हानि पर बेचे तो उसे 500 रुपये कम मिलते हैं। देखिए दोस्तों इस बार आ गया इसमें कम लिखा हुआ दोस्तों, तो कम या अधिक लिखा हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन की पहचान सबसे बड़ी यही है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 100 रुपये का था, 15% के लाभ पर बेचे दोस्तों 115 रुपये हो गया होगा, 10% के आने बेचे दोस्तों 90 रुपये हो गया होगा। तो देखिए इसका और इसके बीच का अंतर देखना है दोस्तों आपको, तो इसके बीच का अंतर जो आएगा वो आएगा 25 रुपये। जो कम या अधिक में बेचा होगा दोस्तों इसको रखना है आपको ऊपर, और जितना भी कम या अंतर आया, जो भी इसका अंतर आएगा दोस्तों उसको रखना है नीचे, और गुणा करनी है 100 से, तो 25 दुनी 50, तो आपका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो 2000 रुपये इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों एक घोड़ा 10% की हानि की जगह 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसे 3000 रुपये अधिक मिलते हैं, घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो क्रय मूल्य दोस्तों आपको क्वेश्चन में निकालना है दोस्तों, बस जैसे मैंने आपको अभी सिखाया है क्वेश्चन ऐसे करना है दोस्तों। क्या करना है, 100 रुपये था मान लीजिए, 10% की हानि भी दोस्तों यानी कि 90 रह गया होगा दोस्तों, 90 रह गया होगा, और इस पर फिर उसने कहा 20% के लाभ पर बेचा था दोस्तों तो 120 रुपये। तो बस इन दोनों में देख लीजिए डिफरेंस, अंतर कितना का आएगा दोस्तों 30 का, तो 30 का अंतर आ गया, 3000 रुपये का इस पर बेचा गया दोस्तों। देखिए 3000 रुपये से क्या मिले थे, अधिक मिलते थे, तो 3000 रुपये ऊपर रखेंगे, जो अंतर आया वो नीचे रखेंगे, और गुणा में कर देंगे दोस्तों 100, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए इससे इसको काट दिए, 30 को एक बार कट जाएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा 10000 रुपये, यानी कि इसका जो क्रय मूल्य आ गया दोस्तों वो आ गया 10000 रुपये। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो कम अधिक पर ही एक स्टेप आगे बढ़ा के चलते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन करते हैं कि कैसे क्वेश्चन किया जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अब अगला जो सवाल आपके सामने लेकर आया हूँ उसमें एक स्टेप सिर्फ बढ़ा रखा है दोस्तों, और करने का तरीका सेम ही रहेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, कह रहा है एक दुकानदार अपना सामान 20% के लाभ पर बेचता है, मान लीजिए दोस्तों उसका सामान 100 रुपये का था, 20% के लाभ पर बेचा होगा तो 120 रुपये का बिका होगा दोस्तों, 100 रुपये खरीदा था, 120 रुपये का बिका होगा दोस्तों। फिर उसने कहा कि यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, पहले सामान 100 रुपये खरीदता दोस्तों, अब 10% अधिक पर खरीदता यानी कि 110 रुपये खरीदता, 110 रुपये खरीदता तो कह रहा है और उस पर 25% का लाभ होता, तो जो 110 रुपये खरीदता है उस पर कितने का लाभ बताया उसने, 125/100 यानी कि 25% का लाभ होता दोस्तों। तो इसे सॉल्व करके दोस्तों आ जाएगा आपके पास 137.5, ठीक है दोस्तों। तो बस इन दोनों का भी क्या करना है आपको, अंतर लेना है, इन दोनों का अंतर आ जाएगा 17.5,
और देखे दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि उसे 14 रुपये अधिक मिलते हैं, तो 14 रुपये अधिक मिलते हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना है, जो अधिक है उसे रखना है ऊपर और जो आपका डिफरेंस आया उसे रखना है नीचे, और गुणा में आ जाएगा दोस्तों आपके पास 100, गुणा में आ जाएगा दोस्तों आपके पास 100। तो क्या करोगे आप, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, 10 बढ़ाओगे और इसको काट लीजिए दोस्तों, 25 × 7 = 175 और 25 कट जाएगा, 25 × 100, यहाँ पे 40 आएगा दोस्तों, और इससे काट दीजिए 7 × 2 = 14, 4 × 2 = 8, तो आपका जो क्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों आ जाएगा 80 रुपये। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एक व्यक्ति अपना सामान 20% के लाभ पर बेचता है, वह 20% अधिक पर खरीदा होता तो 20% का लाभ पर बेचता तो उसे 120 रुपये अधिक मिलते, तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। बस सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, 100 रुपये का उसका मूल्य था, 20% के लाभ पर बेचा होता यानी कि दोस्तों उसका बिकता 120 रुपये का, 20% का लाभ लेकर 120 रुपये का बिक गया होगा दोस्तों। आगे कह रहा है कि यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता, पहले खरीदता था 100 रुपये का दोस्तों, अब 20% अधिक खरीद रहा है, तो यानी कि 100 रुपये का सामान 120 रुपये का खरीद लिया होगा दोस्तों, तो कह रहा है कि उस पर 10% का लाभ होता, लाभ पर बेचता यानी कि 110/100, ये 0 से 0 कट गई दोस्तों, 0 से 0 कट गई, तो इसे सॉल्व करके आ गया दोस्तों 132। इन दोनों के बीच में देख लीजिए अंतर, इनका अंतर कितना आ गया दोस्तों, 12 रुपये का, तो अधिक कितने मिले दोस्तों उसको, 120 रुपये ऊपर रखो, अंतर नीचे रखो दोस्तों, और गुणा से कर दो किसे 100, तो बस इससे इसको काट दीजिए 12 × 12, तो आपका जो क्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों आ जाएगा 1000 रुपये। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो देखिए हम इसको बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है, यदि वह 4% कम पर मूल्य पर खरीदा होता तो 60 पैसा अधिक मूल्य पर बेचे होते तो वह 18 से 3% पर लाभ प्राप्त करता, पुस्तक विक्रेता को लाभ कितने पर मिला होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों आपके सामने जो क्वेश्चन दे रखा है 10% के लाभ पर बेचता होता यानी कि 100 रुपये की चीज़ थी दोस्तों, उसकी 100 रुपये की चीज़ थी दोस्तों, तो कितने के लाभ पर बेचा होता, 10% के लाभ पर बेचता, 110 रुपये का बिकी होगी दोस्तों उसकी। उसने कहा कि 4% अगर कम पर खरीदता, 4% अगर कम पर खरीदता तो दोस्तों उसने पहले खरीदी 100 रुपये की, अब 4% कम पर खरीदता यानी कि 96 रुपये खरीदी, तो कह रहा है कि उस 18 से 3/4% का लाभ होता, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 से 3/4 का मतलब हो जाएगा 75/4%, तो ये हो जाएगा आपके पास 475/400, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके आएगा दोस्तों 114 रुपये, 114 रुपये इसको सॉल्व करके आएगा दोस्तों, तो बस इन दोनों में डिफरेंस कितना का आएगा दोस्तों, 4 रुपये का, और कितने अधिक पर बेचा होता उसने, उसे कह रहा है 60 पैसा अधिक मिलता, तो 60 पैसा तो ऊपर रखोगे, पैसे को पहले बदलेंगे क्या है दोस्तों, रुपए में, तो 100 से क्या कर दो उसको भाग, बटे जो अंतर आया दोस्तों उसको रख लीजिए यहाँ पे, और गुणा में जाएगा दोस्तों 100 से 100 कट जाएगा दोस्तों, तो यह जाएगा 60/4 यानी कि 15 रुपये दोस्तों, उसे 15 रुपये का क्या होगा, लाभ होगा यानी